Hello student, in today's lecture I am going to solve a good question related to real numbers. Actual में ये जो सवाल है ये किसी बच्चे ने मुझसे comment box में comment करके पूछा था, तो मुझे लगा इस question का solution उस बच्चे तक पहुँचना ही चाहिए, तो इसलिए मैंने आज का video lecture तैयार किया है. अगर आपके मन में भी इस तरह का कोई doubt हो या कोई question हो तो आप भी मुझसे comment box में लिख करके पूछ सकते हैं. I will definitely try to help you. Let's start our today's topic. Question says, if x and y are positive odd integers, then prove that x square plus y square is even but not divisible by 4, but not divisible by 4. यहाँ हमें x और y पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स दिए हुए हैं, तो हमें शो करना है x square plus y square इवन तो रहेगा लेकिन 4 से डिविजल नहीं रहेगा. चलिए x को सपोज कर लेते हैं. लेट x इज इक्वल्स टू 2m. 2m क्या रहेगा? 2m विल बी इवन पॉजिटिव इंटीजर व्हेन m इज एनी पॉजिटिव इंटीजर. अगर हम इवन में 1 ऐड कर दें तो वी विल गेट ऑड. तो इवन प्लस 1 बिकम ऑड वेयर m इज एनी पॉजिटिव इंटीजर. इसी तरीके से y को सपोज कर लेते हैं. y भी हमारा क्या है? ऑड पॉजिटिव इंटीजर. लेट्स से y इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 वेयर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर. चलिए हमें चाहिए क्या? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. x स्क्वायर कितना आएगा? x स्क्वायर आएगा 2m प्लस 1 का होल स्क्वायर. 2m प्लस 1 होल स्क्वायर. इस पार्ट को a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल लेते हैं. a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. तो इससे हमें मिलेगा x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1. लेट्स से दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन. इसी तरीके से y का भी स्क्वायर कर लेते हैं. y स्क्वायर मिलेगा हमें 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर. 2n प्लस 1 होल स्क्वायर. इसको भी a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल लेते हैं. ये आएगा 4n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1. लेट्स से दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन. नाउ बाय एडिंग 1 एंड 2 we will get x square plus y square is equals to, ये आएगा 4m square plus 4m plus 1. इससे मुझे मिलेगा 4n square plus 4n plus 1. चलिए इसको यहाँ लिख लेते हैं. x square plus y square 4m square plus 4n square plus 4m plus 4n. 1 plus 1 is 2. 4m square plus 4n square plus 4m plus 4n plus 2. 1 और 1 कितना होगा? 2. चलिए इस पूरे पार्ट में से 2 को कॉमन ले लेते हैं. यह आएगा मेरे पास 2m square plus 2n square plus 2m plus 2n plus 1. अब इसका क्या मतलब है? दिस नंबर इज डेफिनेटली एग्जैक्टली डिविजल बाई 2. देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज एग्जैक्टली डिविजल बाई 2. सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
इज इवन, पॉजिटिव इंटीजर। चलिए अब बात करते हैं क्या ये नंबर 4 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। चलिए इस पार्ट को दोबारा लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4m² प्लस 4n² प्लस 4m प्लस 4n प्लस 2। इस पार्ट में से 4 को कॉमन ले लेते हैं, यह आएगा m² प्लस n² प्लस m प्लस n प्लस 2। अब इसका क्या मतलब है? ये नंबर 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर देगा 2। बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा वी नो दैट हेयर द रिमाइंडर इज 2। देयरफॉर x² प्लस y² इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4 सिंस इट लीव्स रिमाइंडर एज 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 4। सो स्टूडेंट, इन टुडेज लेक्चर आई हैव सॉल्वड ए गुड क्वेश्चन रिलेटेड टू रियल नंबर्स। सो कीप वॉचिंग माई वीडियोज एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, टेक केयर।